दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पहले की तरह ही फिर से एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में साइन इन कीजिएगा या फिर प्ले स्टोर का अकाउंट बनाइएगा। दोस्तों होता क्या है कि प्ले स्टोर की ज़रूरत हम लोगों को हमेशा पड़ती है। वो कैसे, तो देखिए जब भी मुझे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है तो मैं प्ले स्टोर में ही जाता हूँ। और मान लीजिए अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर में साइन इन नहीं कर रखा है तो आप कैसे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाइए, क्योंकि जब तक आप प्ले स्टोर में साइन इन नहीं होइएगा तो प्ले स्टोर ओपन ही नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सिंपल स्टेप के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए जिसकी मदद से आप जो है आसानी के वक्त सेकंडों में उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं या फिर उसमें साइन इन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है सुमित और पहले की तरह ही SGG एजुकेशन क्लास के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है कि आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लें। प्ले स्टोर ओपन जब फर्स्ट टाइम आप कीजिएगा अपने मोबाइल में तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो नीचे में एक ऑप्शन है, हरा बटन है, वो साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है, उस पर आप साइन इन पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेस होगी, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पर और यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है, उसमें दिया हुआ है ईमेल और फोन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इसमें साइन इन होने के लिए आप जीमेल आईडी का भी यूज कर सकते हैं जो गूगल के लिए आप बनाए थे। कोई भी ईमेल आपने बनाया होगा तो इसमें डाल करके आप साइन इन हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने कोई भी ईमेल आईडी नहीं बनाया है तो आपको नीचे में प्ले स्टोर में एक ऑप्शन आता है नीचे में क्रिएट अकाउंट का, जैसा कि आप देख रहे होंगे क्रिएट अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे, एक फॉर माई सेल्फ, एक है फॉर माई चाइल्ड। तो आप फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा जा रहा है। अगर आप कोई भी ईमेल आईडी बनाते हो तो आपको उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अवश्य करके पूछता है, तो इसमें भी आप डाल दें। मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, आप भी अपना नाम डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको एक नीचे में ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इसमें ऊपर में दिया हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अपने बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए। इंटर योर बर्थ डे एंड जेंडर, आप अपना जन्मतिथि और जेंडर इसमें सेलेक्ट करें। तो मैं अपना जन्मतिथि कर रहा हूँ इंटर, और आप भी अपना जन्मतिथि इंटर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इंटर करने के बाद अब आप जेंडर पर क्लिक कर दें, आप मेल हैं या फीमेल वो आप सेलेक्ट कर दें। तो मैं मेल हूँ तो इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मेल। उसके बाद अब जो है नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा और देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है चूज हाउ यू विल साइन इन। अब आपको चूज करना है कि कैसे इसमें साइन इन आप कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अपने तरह से एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी होगी जो आपको याद रहे, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है। तो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्रिएट करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसका अकाउंट आईडी, मैं बना चुका हूँ तो मैं आपको साइन इन करके दिखाऊंगा। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही ये कुछ भी डाल दीजिएगा इसमें जो आपको याद रहेगा आप अपने अनुसार, उसके बाद अब आपको नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडोज ओपन होकर के आएगा, उसमें बोला जाएगा कि आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। तो उस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन आएगा कॉल का और टेक्स्ट का, यानी कि गूगल जो है आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगी। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज सेंड करेगी जो 6 डिजिट का OTP होगा। वो OTP आपके मोबाइल में, यानी कि आप अपने मोबाइल में डाल दीजिएगा वो कोड। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप उसमें साइन इन हो जाइएगा। अब बात है, मैं पहले से ही ऑलरेडी बना रखा हूं इसका अकाउंट आईडी, तो साइन इन कैसे करूं। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साइन इन होना है। तो यहां पर आप अपना साइन इन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं, आप अपना ईमेल आईडी डाल दें। ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपना पासवर्ड डाल दें, जो आपने पासवर्ड इसमें डाला था जीमेल बनाने वक्त, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूं। उसके बाद अगर आप पासवर्ड गलत डाल देते हो तो आपका साइन इन नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया है, तो अब यहाँ पर पासवर्ड फिलहाल मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर आप सही सही पासवर्ड इसमें डालते हो तो आप जैसे इस पर पासवर्ड डालोगे, ठीक है, जो भी पासवर्ड आप डालोगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा वो इसमें डाल करके उसके बाद साइन इन करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ये जो है लॉग इन हो जाएगा। मैं फिलहाल फिर से ट्राई किया, देखिए दोस्तों मुझे जो है याद नहीं है इसका पासवर्ड। उसके बाद जैसे ही इस पर पासवर्ड डालिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका साइन इन हो जाएगा, वो भी कुछ ही सेकंडों में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस कर दे, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं हर रोज कुछ नया वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग का भी साथ रहेगा तो मैं और नया नया वीडियो लाते रहूँगा, बढ़िया सा अच्छा सा अच्छा वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्किप करते हैं, यानी कि एंड करते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।